We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. महिलाओं बच्चों के साथ घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए बच्चियों को जागरूक करने को लेकर टीकमगढ़ पुलिस लाइन में बेटियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभावान बेटियों को स्मृति चिन्ह के अलावा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही बच्चियों के साथ घटने वाली घटनाओं से बचाव के लिए DIG, कलेक्टर और SP के साथ प्रदेश महामंत्री ने विस्तार से चर्चा कर समझाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जतारा विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज विवेक राज सिंह, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी और SP प्रशांत खरे के अलावा कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जूडो कराटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाली बच्चियों और नेशनल खेल में भाग लेने वाली छात्राओं का सम्मान भी किया गया। कलेक्टर ने महिला सम्मान की सभी लोगों को शपथ दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। देखा जाए समाज में कहीं ना कहीं रोग तो है और रोग बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, पर ये हम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। इस रोग को दूर करने के लिए इस तरीके के अभियान, एक तरफ तो हम प्रोत्साहित करते हैं बालिकाओं को कि ब्रेक द साइलेंस, आपके साथ यदि कहीं कोई अत्याचार, कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसको चुपचाप सहन नहीं करना, उसको आवाज उठानी है। शासन प्रशासन और रिजिता ने जैसा बताया कि बेसिकली सम्मान अभियान में आज सभी जो जागरूकता लेके आने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यक्रम की शुभारंभ किया था 11 तारीख से, उस तभी से लेकर कंटिन्यूसली जागरूकता के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आज जिला स्तर पर एक समेकित कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे जो आइकॉन्स थे उनको सम्मानित किया गया। जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उनके जो विनर्स थे उनको सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विधिक जो जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जो महिला बच्चियों को, बच्चों को जो जागरूकता होनी चाहिए इस संबंध में उनको बताया गया है और एक ऐसा एनवायरनमेंट लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि महिला अपने आप को न केवल सुरक्षित समझे अपितु उन्हें समानता का एक स्थान भी प्राप्त हो ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने 11 जनवरी से और 26 जनवरी तक बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए इस सुरक्षा के रूप में एक कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले मुख्यालय पर और ग्रामीण क्षेत्र अंचल तक किया। पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक जागरूकता के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आज बेटियों को निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य है कि बेटियों की और माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। इस सराहनीय पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग भाग लें और ये सुरक्षा के रूप में गांव-गांव माताओं बहनों को जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। टीकमगढ़ से सुधीर मावई, सागर टीवी न्यूज़। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.